नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पीठासीन अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पीठासीन अधिकारियों का यह 69वां सम्मेलन था, जिसमें विधायिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई, सहमति बनी। सबके जहन में एक ही सवाल कि कैसे विधायिका की तस्वीर को और बेहतर किया जा सके, वो कौन से मुद्दे थे, किस तरह के तर्क थे और किस तरह की राय थी, यही सब कुछ जानने समझने का प्रयास इस खास प्रस्तुति में। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चर्चा और संवाद जरूरी है। वैचारिक असहमति होने के बावजूद संसद और विधानमंडलों में सदस्यों के बीच विचार विमर्श होगा, तभी जनता की समस्याओं का हल निकलेगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं विधायिका के प्रति जन आस्था को मजबूत करने को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पीठासीन अधिकारियों के 79वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में लोकसभा, राज्यसभा सहित विधानमंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति सहित राज्यों के सचिवों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 27 पीठासीन अधिकारी और विधानसभाओं के 20 सचिव शामिल हुए। लोकशाही संस्थाओं के प्रति जनता में विश्वास मजबूत बनाने में सांसद और विधायकों की भूमिका, अखिल भारतीय स्तर पर संसदीय प्रक्रियाओं में एक रूपता और उनके उच्च स्तरीय मानकों की स्थापना, संसद और विधानसभा में सत्र के दौरान सांसदों और विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपाय, बदलते समय में कानून और संसदीय प्रणाली में सुधार, संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं की बारीकियों सहित कई अहम मुद्दों को लेकर इस सम्मेलन में मंथन का दौर चला। सम्मेलन के पहले दिन सभी विधानसभाओं के सचिवों का सम्मेलन हुआ। इसमें संसदीय प्रक्रियाओं की बारीकियों पर गहराई से मंथन हुआ। संसदीय विषयों की चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श हुआ। देहरादून में हुए इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चाहे जनप्रतिनिधि हों या संवैधानिक संस्थान, प्रत्येक में विश्वास जताना पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सदन में चर्चा होना बहुत जरूरी है। हमें वाद विवाद अथवा चर्चा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके लिए सदन में सदस्यों की उपस्थिति में सुधार लाना होगा। लोकसभा अध्यक्ष के मुताबिक सम्मेलन में हुए गहन और रचनात्मक मंथन से पीठासीन अधिकारियों को लोकतंत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने, संसदीय और विधायी कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बदलते परिपेक्ष में जनता के सामने कानून बनाते समय अपने अपने सभासद में किस तरीके से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, इसके लिए भी हमने निर्णय किया कि हम विधायकों का, सांसदों का लगातार प्रशिक्षण करेंगे। बेहतरीन तरह की हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको विधानसभा लोकसभा के अंदर ठीक से कानून बनाने में भी भागीदारी रहे और विधायी कार्यों के अंदर भी हम गुणवत्तापूर्वक अपनी बात सदन के माध्यम से जनता के बीच में रख सकें। और इसीलिए लोकसभा और विधानसभा मिलकर सभी जनप्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण करने के लिए हमारी लोकसभा की संस्था लगातार विधानसभा से मिलकर इस कार्य को करेगी और हमारी कोशिश है कि हम आने वाले समय के अंदर हम जनप्रतिनिधियों के विधायी कार्य में और उनके अपने अपने सदनों में उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। इस सम्मेलन में यह भी विचार हुआ कि अपनी अपनी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में उत्कृष्ट विधायक और सांसद जिन्होंने
सदन की मर्यादाओं को रखते हुए एक गुणवत्तापूर्वक विधानसभा में अपने विषय को रखा, उनको सर्वश्रेष्ठ विधानसभा लोकसभा का सर्वश्रेष्ठ जनमति का जनप्रतिनिधि का सम्मान करें, ऐसा सभी लोगों ने एक मत से बना। शून्यकाल सहित सभा में उपलब्ध साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और क्षमता निर्माण पर चर्चा का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति हुई कि सभी सदस्यों को शून्यकाल में लोक महत्व की बात रखने का ज्यादा अवसर मिले, जिससे विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में पक्ष और विपक्ष में विश्वास कायम रखना होगा। सदन में विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन सरकार को भी काम करने का वक्त देना चाहिए। हमारी कोशिश है कि सदन के अंदर डिबेट हो, डिस्कशन हो, डिसेंट हो, लेकिन डिस्टर्बेशन नहीं हो, और ये सभी माननीय पीठासीन अधिकारी चाहते हैं कि हम किस तरीके से इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के माध्यम से संसद और विधानसभा और विधान परिषदों के अंदर अधिकतम समय डिबेट कराएं, डिस्कशन हो, सहमति असहमति भी हो, लेकिन सदन चले, क्योंकि देश की जनता की आकांक्षा है कि हमें जिनको चुनकर भेजते हैं वे सदन में अपनी बात ठीक ढंग से रखें। इसीलिए जनप्रति होने के नाते संसद और विधानमंडलों में जनता की आशाओं आकांक्षाओं का मंदिर है। कोई भी माननीय विधायक या सांसद को अपनी बात कहने का अवसर जनता के अभावों समस्याएं कहने का एकमात्र लोकतंत्र का मंदिर है तो विधानसभा लोकसभा है, जिसके माध्यम से अपनी जनता की बात सरकार को पहुंचाने का काम करता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम करता है, सरकार में जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, इसके लिए सदन का उपयोग करता है। और ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता भी है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करें, कार्यपालिका में पारदर्शिता है, सरकार पारदर्शी तरीके से काम करे, जनता की जवाबदेही के लिए काम करें, इसीलिए विधानसभा लोकसभा है। पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में आखिरी दिन संविधान की 10वीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका को लेकर गहन चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस सत्र में विभिन्न विधानसभाओं के 11 पीठासीन अधिकारियों ने अपने विचार साझा किए। संविधान की 10वीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में इस विषय को लेकर सार्थक चर्चा हुई, जिसके बाद संविधान की 10वीं अनुसूची में अध्यक्ष को मिले अधिकारों की समीक्षा होगी। लोकसभा अध्यक्ष के मुताबिक पीठासीन अधिकारियों की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव के प्रयास किए जाएंगे। पीठासीन अधिकारियों की समिति गठित की गई है जो विधानमंडल अध्यक्षों की राय लेगी। संविधान की 10वीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका पर हम सब ने हमारी खुद की भूमिका कैसी हो, दल बदल कानून में अध्यक्ष की भूमिका कैसी हो, उसकी चर्चा इस सम्मेलन में हुई और सम्मेलन में इस बात के निर्णय की दौर पर पहुंचे कि अध्यक्षीय पद जिस सम्मान के साथ देश और प्रदेश देखता है,
उसी प्रतिष्ठापूर्ण तरीके से हमारे निर्णय भी हों। और ये दल बदल कानून जिसमें बड़ी शक्तियां अध्यक्ष को दी गई है, मुझे लगता है कि आज के मंथन, आज के चर्चा के बाद हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारी अध्यक्ष की भूमिका, जो सम्मान हमारा जनता में है, हम उस तरीके के निर्णायक और निष्पक्ष फैसले करेंगे, निर्णय करेंगे, ताकि हमारी निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। क्योंकि जनता की चुनी हुई संस्थाओं पर, लोकतंत्र के मंदिर पर न्यायपालिका अगर प्रश्न करने लगेगा, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णयों पर न्यायपालिका अगर कुछ टिप्पणी करने लगेगा, तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमने, हमारी भूमिका कैसी हो इस पर भी हमने बहुत गंभीरता से विचार किया। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम पीठासीन अधिकारियों के हुए निर्णयों पर अध्यक्ष पद की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेंगे, और किस तरीके से हमारा निर्णय निष्पक्ष हो, निर्बाध हो, इसका प्रयास करेंगे। 79वें राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान ही लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी जानकारी दी कि साल 1921 में संसदीय संस्थानों में स्वस्थ परंपराओं को विकसित और संरक्षित करने में मदद करने के लिए विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का मंच शुरू हुआ था। साल 2021 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इसे शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। इस कार्यक्रम को पहले विधानसभाओं में और उसके बाद संसद में मनाया जाएगा। ये सम्मेलन 1921 में शुरू हुआ और 2021 में इस सम्मेलन को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। हमने आज निर्णय किया है कि 2021 हमारे जब 100 वर्ष सम्मेलन को हो रहे हैं, तो उनका शताब्दी वर्ष मनाएं। और इस शताब्दी वर्ष में सभी राज्यों के विधान परिषद, विधानसभाओं में, और उसका फिर अंतिम समापन लोकसभा में हो, ताकि हमारी उच्च कोटि की लोकतंत्र की परंपराएं, मर्यादाएं, हमारे सदनों की मर्यादाएं देश की जनता को बताने का काम करें। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल रहे। राज्यसभा के उपसभापति ने संसद एवं विधानमंडलों में व्यवधानों की निगरानी करने और अनुशासनहीनता को रोकने के लिए व्यवधान सूचकांक बनाने का सुझाव दिया। उपसभापति ने ये भी कहा कि इससे सदन में मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए ज्यादा समय उपलब्ध होगा। एक समस्या जो देखी गई है, वो आमतौर से सदन में जो एक अनुशासन हो, उसको कैसे हम पुनः बेहतर बनाए, और ये गांधी का 150 वर्ष है। इसलिए मैं गांधी को कहना चाहूंगा, जिन्होंने यंग इंडिया में लिखा इनडिसिप्लिन इज वायलेंस, यानी अनुशासनहीनता वायलेंस। अगर इन चीजों से हम बचाए अपने को, तो खुद जीरो आवर या इस तरह के और जो टूल्स है जिससे हम लोकतंत्र के मंदिर को मजबूत बना सकते हैं और रास्ता अपना सकते हैं। आजादी की लड़ाई के लगभग सभी दिग्गजों ने, कृपलानी जी और अनेक राम नेहरू, जवाहरलाल जी ने वार्न किया, उन्होंने तो साफ कहा कि ने प्रॉपर डेमोक्रेसी डिसिप्लिन इज सेल्फ इम्पोज्ड, देयर इज नो डेमोक्रेसी इफ देयर इज नो डिसिप्लिन। तो आज ये चुनौती मिल रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने सुना, हर सत्र में वो कहते हैं सदस्यों से कि आप अपने सारे मुद्दे उठाइए, सारी बातें कहिए, फिर भी कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि हमें अवसर मिलता है, पर हम अपने कुछ खास वजहों से उन चीजों को, उस अवसर को बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। आई वुड लाइक टू ऑफर 3 सजेशंस। वन, सिंस सम मेंबर्स सारे ओकेजन मिलने के बाद, जीरो आवर जैसे ओकेजन मिलने के बाद उसका उपयोग नहीं करते, बल्कि कई बार लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है, तो उससे निकलने का रास्ता
once in some members deliberately resort to disruption as they find it to be most convenient way to stay relevant in the public eye, stopping in the live telecast of the House proceedings when this disruption becomes excessive may be an option to counter this. दूसरा सुझाव और अंतिम पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इंडेक्स पीडीआई में भी डेवलप टू मेजर द डिसरप्शन कॉज्ड बाय एन इंडिविजुअल मेंबर बाय टेबुलेटिंग द टाइम लॉस टू सच डिसरप्शन जीरो आवर जैसे विषय प्राइवेट मेंबर बिल्स जैसे विषय स्पेशल मेंशन जैसे विषय क्वेश्चन और जैसे विषय जिससे जनता के सवाल उनकी आकांक्षाएं भावनाएं कल्पनाएं उनके सपने जुड़े हैं अगर इन चीजों को भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते इसमें भी अगर चुनौतियां मिलती हैं तो इसका रास्ता माननीय अध्यक्ष महोदय हम सबको आत्मविश्लेषण कर निकालने के लिए कोशिश सामूहिक ढंग से करनी चाहिए और एक अनुशासन का रास्ता हम गांधी के देश के लोग सर्वानुमति से बना सके मौजूदा दुनिया की बदलती चुनौतियों को देखकर। 79 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने आए ज्यादातर पीठासीन अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापक लोक हित में व्यवधान और निर्णय बनाने की परेशानियों में बचने के लिए अनुशासन और शालीनता की बहुत जरूरत है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से जुड़ी इस खास प्रस्तुति में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और पहलुओं की। तुरंत हाजिर होते हैं। देहरादून में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से जुड़ी इस खास प्रस्तुति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की अगुवाई में सम्मेलन में विधायिका से जुड़े किन महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई और किस तरह की सहमति बनी। सम्मेलन के समापन समारोह में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी शामिल रही। इस मौके पर राज्यपाल ने भी पीठासीन अधिकारियों को कई अहम सुझाव दिए। अपने संबोधन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि विधानमंडलों ने हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी सदन के पीठासीन अधिकारी सभा के नियमों शक्तियों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं और इस तरह संसदीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सभा के प्रमुख होने के नाते संसदीय परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करना उनका कर्तव्य है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के लोग सदियों से सद्भाव के साथ रहते आए हैं। संघीय ढांचे को मजबूत करने में हमारे देश की विधायिकाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस सम्मेलन में देश भर की विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी उपस्थित हैं। पीठासीन अधिकारी सदन में नियम शक्ति और विशेषाधिकार के मुख्य संरक्षक होते हैं। सदन के संचालन में भी उच्च संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाना और नए मापदंड स्थापित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको संविधान ने दी है। पीठासीन अधिकारी की सबसे बड़ी चुनौती सदन को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलाने की होती है। पीठासीन अधिकारी को तटस्थ और निष्पक्ष होकर निर्णय लेने होते हैं। उन्हें यह भी देखना होता है कि सदन के सदस्यों के विचारों को पूर्ण अभिव्यक्ति मिले, उनके साथ ही विपक्ष के विचारों का भी समाधान हो तथा सदन की गरिमा और पीठ की निष्पक्षता बनी रहे। यह निश्चित ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर मैं समझती हूँ कि आप सब पीठासीन अधिकारियों का धैर्य और संयम इसका परिचय अवश्य देता होगा। संसद और विधानसभाएं इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। सदन का एक एक पल जनता को समर्पित है। ऐसे में जब सदन का समय शोर शराबे और व्यवधान में नष्ट होता है तो यह जनता के प्रति एक तरह से अन्याय होता है। सदन में सार्थक बहस और चर्चा होनी चाहिए। कार्यपालिका विधायिका के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, यह लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए जरूरी है। यह कार्य सदन के माध्यम से हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे जरूरी है कि सदन सुचारू रूप से चलता रहे। संसद की तरह ही विधानसभाएं भी बेहतर परफॉर्मेंस दें।
जिस तरह की प्रोडक्टिविटी संसद में देखी जा रही है, अगर इसी तरह की प्रोडक्टिविटी राज्यों की विधानसभाओं में आ गई तो जिस न्यू इंडिया के निर्माण का सपना हम सब ने मिलकर देखा है वो जल्द ही साकार होगा। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से लोकसभा संचालित हो रही है, जिस तरह से लोकसभा के अंदर काम हो रहा है, वो एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। मैं अपने उत्तराखंड के बारे में भी कह सकता हूँ कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि और जगह मुझे जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं उत्तराखंड के बारे में भी ये बात कह सकता हूँ कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में अधिकतम लोगों को प्रश्न उठाने का मौका दिया और जवाब देने का भी उन्होंने अवसर दिया। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी कुशलता से उन्होंने विधानसभा का संचालन किया है। तमाम जो हमारी विधानसभा की कार्यवाही है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि हमारे राज्यों को, तमाम अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, हमको इसको विधानसभाओं में भी लागू करना चाहिए और इससे जहाँ पेपरलेस होंगी हमारी विधानसभाएं, वही काम भी हमारी बड़ी सहजता से निपटेंगे और ज़्यादा काम हम लोग कर पाएंगे। मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि संसद की तरह विधानसभाओं में भी बेहतर परफॉर्मेंस एक कैसे हो, ये जरूर विचार करना चाहिए। और ये केवल किसी राज्य विशेष के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है कि हम बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दें, इस पर हमको जरूर विचार करना चाहिए। राज्यों की जो प्रोडक्टिविटी है वो विधानसभाओं से आती है, तो उसको, वो प्रोडक्टिविटी हमारी कैसे बढ़े, उसका हमको उस ख्याल रखना होगा और इसको हम कैसे साकार कर सकते हैं, इसका हमको विचार करना होगा। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 79वें राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हुई चर्चा में पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया गया सार्थक योगदान बहुत ज्ञानवर्धक रहा है, ये संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन के सफल संचालन के लिए आभार व्यक्त किया। अपने दिल की गहराइयों से पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सम्मेलन की सार्थकता इस बात से प्रकट होती है कि जिस प्रकार विगत दो दिनों से सदन में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए आप सभी महानुभावों ने जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है, वह मील का पत्थर साबित होगा। दो दिनों तक चलने वाली इस चर्चा के दौरान संविधान की 10वीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा हुई, वहीं शून्यकाल सहित सभा के अन्य साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण विषय पर भी सत्रों के अंतर्गत महत्वपूर्ण गहन विचार विमर्श हुआ। उत्तराखंड राज्य के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महानुभाव के आगमन से हमारा पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बड़े सम्मेलन करना हम लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, परंतु आप सभी की सहृदयता, सरलता से यह सम्मेलन सफल हो पाया है। गौरतलब है कि पहला पीठासीन सम्मेलन 1921 में शिमला में हुआ था। हर साल आयोजित होने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी बारी बारी से राज्यों को मिलती है। गंगा यमुना के उद्गम की धरती देवभूमि उत्तराखंड में ये सम्मेलन पहली बार हुआ। बहरहाल, संवैधानिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विधानसभा सदनों में 60 दिन तक कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर सम्मेलन के समापन सत्र में 60 दिनों तक सदन चलाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी लोगों ने सहमति जताई। हालांकि छोटे राज्यों के पास बजट नहीं होने से बैठकें कम होती हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए छोटे राज्यों में कम से कम 30 बैठकें बुलाने पर सहमति बनी। साथ ही कई और अहम मुद्दों पर भी सहमति बनी, जिसमें विधायकों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना भी शामिल है। एक सुझाव ये भी था
कि विधायकों के सुझावों पर विधानसभा आश्वासन कमेटी को ध्यान देना चाहिए। सदन में किसी भी भेदभाव के बगैर चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष सदस्यों को भी समान अवसर मिलना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। कुल मिलाकर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संवैधानिक संस्थानों में जनता के विश्वास को और मजबूत बनाने में सांसद और विधायकों की क्या भूमिका रहे, इस पर विशेष जोर रहा। संसदीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण व क्षमता निर्माण आदि विषयों पर गहरा मंथन हुआ, जिसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में देश के विधायी कार्यों में तस्वीर कुछ बदली हुई दिखेगी। पीठासीन अधिकारियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विधायिका से जुड़े तमाम मसलों पर जिस तरह से गंभीर चर्चाएं हुई हैं, चिंताएं प्रकट की गई हैं, उसके बाद तर्कपूर्ण सहमति बनी है, एक उम्मीद कायम होती है, भरोसा पैदा होता है, जिसके बाद ये मान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में विधायिका की तस्वीर अपेक्षाकृत और बेहतर होगी, खासकर राज्य विधायिका के स्तर पर। इसी उम्मीद के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।